रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएल न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते ही प्रोग्राम की, आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल तो शुरू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि राजनीतिक गलियारों की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर बहुत बड़ा पासा पलट गया है। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रियंका गांधी पर दांव खेला है, जिस तरीके से पार्टी महासचिव उन्हें बना दिया गया, उनके ऊपर पार्टी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंप दी गई, उसके बाद से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि प्रियंका गांधी के आने से पूरी मीडिया में प्रियंका गांधी की खबर छाई हुई है हर जगह। पूरे देश की अगर मैं बात करें तो प्रियंका गांधी चल रहा है। आज मोदी लहर खत्म हो चुकी है प्रियंका गांधी के आगे, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रियंका गांधी की आंधी में मोदी कहीं गुम हो गए हैं। और इस बार लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात कर लेता हूं तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अब देखने को मिल रहा है प्रियंका वर्सेस मोदी, यानी कि अब राहुल गांधी को अलग कर दिया गया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जगह अगर बात की जाए, पहले राहुल और मोदी चल रहे थे, लेकिन अब प्रियंका वर्सेस मोदी चल रहा है। और ऐसे में आपको बता दूं प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रही है, यानी पीएम नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रही है। 2019 का चुनावी रण लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करके 2019 का सबसे बड़ा दांव खेल दिया। ये दांव भी चला गया है सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, जहां दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय होता है। प्रियंका गांधी के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान आने से अब यह साफ हो गया है कि यूपी में तो कम से कम मुकाबला प्रियंका गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होने जा रहा है। हालांकि प्रियंका के आने से काफी सवाल भी खड़े होते हैं, क्या राहुल कांग्रेस को लेकर अपनी सोच को आगे ले जाने में नाकाम हो पाए हैं या अकेले पड़ गए हैं जो प्रियंका गांधी की जरूरत पड़ी है। हम यहां पर इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि जिस तरीके से आज चीजें देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी अकेले पीएम नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इस तरह की बातें अब आने सामने लगी थी। सामने ये बातें आ रही थी कि राहुल गांधी अभी उतने परिपक्व नहीं है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी का सामना कर सके। तो ऐसे में राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को आगे लाकर एक बहुत बड़ा जो है बिगुल फूंक दिया है, और ऐसे में प्रियंका गांधी के आगे पीएम मोदी झुक सकते हैं। और अगर मैं बात कर लेता हूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कमान जिस तरीके से प्रियंका गांधी के हाथों में दी गई है, ऐसे में यूपी में बीजेपी के लिए अब राह मुश्किल हो चुकी है। क्योंकि यूपी की अगर मैं बात कर लेता हूं, यूपी में सपा बसपा गठबंधन ने पहले से ही बीजेपी की नाक में दम मचा रखा था, तो वहीं प्रियंका गांधी के चुनावी समर में उतरने से, चुनावी कह सकते हैं कि मैदान में उतरने से बीजेपी को और तगड़ा झटका लगा है। यानी कि हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस जो, जैसे कि लोकसभा की 80 सीटों पर, कांग्रेस की अगर मैं बात करता हूं, यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें, और ऐसे में 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का जो मन बनाया है कांग्रेस ने, और ऐसे में अगर मैं बात कर लेता हूं तो अब की बार यूपी में कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है केवल और केवल प्रियंका गांधी की वजह से। और आज अगर देखा जाए इन समय में मोदी लहर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हालांकि मोदी लहर तो कुछ समय पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन अब प्रियंका के आने से बीजेपी का कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो ग्राफ है वो और ज्यादा गिर चुका है। आज मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार प्रियंका गांधी से क्यों बीजेपी को इतना डर लगा। दरअसल प्रियंका गांधी एकदम सटीक तरीके से बातों को बोलती हैं, बातों को सोच समझकर बोलती हैं, उनके बातों का तरीका अलग होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता प्रियंका गांधी को भी पसंद करती है, यानी कि जनता की पसंद बहुत बड़ी बात होती है। और आपको बता दूं, जैसे ही महासचिव बनाया गया प्रियंका गांधी को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ने को देखने को मिली, एक जोश कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। ये सब चीजें बताती है किस तरीके से प्रियंका गांधी की एंट्री करते ही पार्टी कार्यकर्ता कितने खुश हो गए, पार्टी में एक नया माहौल तैयार हो गया, और ये माहौल बीजेपी के लिए बहुत बड़ा भारी पड़ने वाला है। वैसे आपको मैं यहां पर स्थिति ये बता दूं, यूपी में जिस तरह से देखने को मिला था कि साल 2014 में
73 सीटें सहयोगी पार्टियों की मदद से बीजेपी को मिली थी, अकेले अपने दम पर 71 सीटें आई थी। लेकिन इस बार अगर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी कहां सस्टेन कर रही है, इस बार बीजेपी सस्टेन कर रही है 18% पर, यानी कि इस बार सस्टेन कर रही है बीजेपी कम से कम 30 और 40 सीटों पर सस्टेन कर रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं यूपी में कि बीजेपी यूपी में 30 से 40 सीटों पर ही सस्टेन कर रही है, क्योंकि बुआ बबुआ की जोड़ी ने कमाल तो कर दिया है। और जो स्थिति आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी जानकारी भी जो है देखने को मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक कि बुआ बबुआ की जोड़ी इस बार यूपी में बड़ा कमाल कर रही है, बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है सपा बसपा को। तो वहीं अगर मैं बात कर लेता हूं सपा बस और कांग्रेस को जो है पहले के मुकाबले अब ज्यादा और फायदा मिल रहा है, यानी कि प्रियंका गांधी के आने से जो है और फायदा मिला अभी, और जो है कांग्रेस को यूपी में फायदा मिल सकता है। यानी कि अगर मैं यहां पर बता दूं कि सपा बसपा तो बढ़त बनाए हुए हैं, सपा बसपा को तो बहुत बड़ा फायदा यूपी से हो रहा है, और अगर कांग्रेस को भी सपा बसपा ने साथ में मिला लिया तो यूपी में बीजेपी का किला ढह जाएगा, यूपी में बीजेपी की हार बिल्कुल तय बताई जा रही है, यूपी में बीजेपी की स्थिति खराब हो जाएगी। और अगर यूपी में बीजेपी की स्थिति खराब हुई इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। दरअसल 2014 में बीजेपी जिस तरीके से 73 सीटों पर जिस तरह से सस्टेन कर रही थी, आज वही चीजें जो है बीजेपी पर भारी पड़ गई है। आज बीजेपी कम से कम 18 पर जो है कहीं ना कहीं सस्टेन कर रही है। और वैसे आपको बता दूं कि आज देश की जनता मोदी सरकार से नाराज भी चल रही है। इन 4 सालों में मोदी सरकार ने जिस तरीके से देश की जनता को परेशान कर दिया, बेरोजगारों के साथ धोखा किया गया, बेरोजगारों के दिलों पर चोट पहुंचाई गई, उन्हें रोजगार ना देके बेरोजगारों का मजाक उड़ाया गया, मोदी सरकार में युवाओं का भरोसा तोड़ा गया, युवाओं को जो है छला गया, मोदी सरकार ने छला। और सबसे बड़ी बात तो है कि 2014 का एजेंडा रहा था राम मंदिर, और राम मंदिर का निर्माण ही नहीं करवा पाई सरकार। ये बहुत हैरान करने वाली बात तो ये है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि मामला कोर्ट में चल रहा, कोर्ट के फैसले के बाद ही हम कदम उठाएंगे। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होने लग गया, राजनीति इस पर ये शुरू हो गई कि जब कोर्ट का ही इंतजार करना था तो मोदी सरकार को क्यों 2014 में लेकर आए, जब कोर्ट का ही इंतजार करना था तो बीजेपी को चुनाव जितवाने का कोई फायदा नहीं बन रहा था। तो ये सब चीजें हैं जो निकल कर सामने आई हैं। और वैसे आपको हम बता दें कि इस बार जिस तरीके से मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है, युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं मिली हैं, राम मंदिर का काम नहीं हो पाया, और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जीएसटी आने के बाद व्यापार जिस तरह से मंदा हुआ, ये सारी चीजें आज मोदी सरकार पर भारी पड़ रही हैं। जिस तरीके से ये देखने को मिला है कि मोदी सरकार में ही जो है बेरोजगारों का मजाक उड़ाया गया, कहा यह गया कि अगर आप रोजगार चाहते हैं तो ऑफिसों के बाहर जो है आप ठेले पे चाय पकौड़ा बेचिए, वो भी रोजगार की श्रेणी में आता है, यानी कि एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएट जो बच्चे हैं वो इस तरीके से अब चाय और पकौड़ा बेचेंगे, ये सरकार की मानसिकता थी। और यही सब चीजें सरकार को लेकर डूब गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने वादा किया था सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, आज रोजगार कहाँ है? अगर आज की स्थिति की हम बात कर लेते हैं तो आज पूरी तरीके से रोजगार गायब हो चुका है, खत्म हो चुका है, करोड़ों से ज्यादा रोजगार मोदी सरकार ने खुद बंद कर दिए। जरा सोचिए आप, जिस सरकार ने रोजगार के आयाम ही बंद कर दिए वो सरकार क्या सोच रही है युवाओं और बेरोजगारों के भविष्य को लेकर। ऐसे में यह हम आपको बता दें कि युवाओं और बेरोजगारों की चिंता मोदी सरकार को नहीं है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो आज वक्त बदल चुका है, आज जनता मोदी सरकार से नाता तोड़ चुकी है, युवा बिल्कुल मोदी सरकार को पसंद नहीं कर रहे, बेरोजगार नहीं पसंद कर रहे, साधु संत भी मोदी सरकार को पसंद नहीं कर रहे। और उनका ये कहना है कि आपने तो राम मंदिर का दिखावा किया बनाने का, लेकिन काम कुछ नहीं किया। ये सब चीजें अब मोदी सरकार पर भारी पड़ रही हैं, और इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की हार लगभग दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर मैं बात कर लेता हूं प्रियंका गांधी की, तो राहुल गांधी ने अपनी बहन को पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से यह काफी प्रभावी इलाका है, पूर्वांचल में 28 जिले आते हैं,
इन 28 जिलों में लोकसभा की कुल 32 सीटें पड़ती हैं और विधानसभा की 159 सीटें। पूर्वांचल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय सीट वाराणसी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र गोरखपुर भी आता है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिली है और पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी गई है। और अब की बार आपको बता दें, जिस तरीके से प्रियंका गांधी की लहर चल रही है और जिस तरीके से जनता प्रियंका गांधी को पसंद कर रही है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पूर्वांचल में कांग्रेस जो है बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। और अब की बार स्थिति तो ये है कि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का हारना लगभग तय है। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।